हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। लेकिन स्टूडेंट्स, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स के बारे में बताना चाहूंगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको जनरल इक्वेशन दे दी है a1x + b1y + c1 = 0 और सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स a2x + b2y + c2 = 0। इस टाइप की टू इक्वेशंस आपके पास रहेगी। उन इक्वेशंस को हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है, वो भी किससे स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आपको यहां से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सीखना कैसे कि आप लोग क्या करिए, मान लीजिए आप एक्स के साथ वर्क करना चाहते हैं तो एक्स वालों को छुपा दीजिए स्टूडेंट्स। एक्स वालों को छुपाइए और छुपाने के बाद स्टूडेंट्स, आपका उंगली कहां टच हो रहा है, B1 पर कहां टच हो रहा है स्टूडेंट्स। इसको एक्स वालों को छुपाओ और छुपाने के बाद उंगली कहां टच हो रहा है आपका, B1 पर। तो आप क्या करिए स्टूडेंट, जो टच हो रहा है उसका क्रॉस देखिए। तो क्या दिखा स्टूडेंट्स, B1 C2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B1 C2 और अंगूठा कहां टच हो रहा है स्टूडेंट्स, B2 पर बीच में क्या आएगा, एक गवर्नमेंट माइनस, मतलब माइनस लगाना आपको, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, B2 C1 इक्वल जो रहेगा वाई। देखो x के अपॉन में वर्क हो चुका है, अब किसके अपॉन में वर्क होगा स्टूडेंट्स, y के। तो y के अपॉन में जब वर्क करेंगे तो आप y वालों को छुपा दो, y वालों को छुपाओ और उंगली देखो, उंगली कहां टच हो रही है आपकी, c1 पर। c1 का क्रॉस देखो स्टूडेंट्स, c1 का क्रॉस देखोगे तो कौन दिखेगा, a2 दिखेगा स्टूडेंट्स। ये तो छुपा हुआ है, c1 का क्रॉस कौन दिखेगा, a2। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, c1 a2 और बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका अंगूठा कहां टच हो रहा था, जो थंब है आपका कहां टच हो रहा था, c2 पर। तो c2 का क्रॉस देखो स्टूडेंट्स, c2 का क्रॉस कौन दिखा आपको, a1। क्या बनेगा स्टूडेंट, c2 a1 और इक्वल टू में ये कौन है, कांस्टेंट, इसके साथ एक्स वाई नहीं है, मतलब कौन है, 1। तो इसको छुपा दो स्टूडेंट्स, अब इधर कोई बचे नहीं, तो आप अपना इसको तो छुपाए हुए रखो और अपना हाथ यहां रख दो, क्योंकि इधर कोई नंबर सब बचे नहीं है ना, हाथ यहां रखो। अब देखो उंगली कहां टच हो रही स्टूडेंट्स, a1 पर। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, a1 और इसका क्रॉस देखो स्टूडेंट्स, ये तो छुपा हुआ है, तो a1 क्रॉस कौन मिलेगा स्टूडेंट्स, b2, बीच में क्या आएगा, माइनस। अब आपका थंब किसको टच कर रहा है स्टूडेंट्स, आपका थंब टच कर रहा है a2 को, तो क्या बन जाएगा, a2 b1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार x को इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार y को इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और इससे आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। और ये जो मेथड होगी हमारी, दिस मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सर इसको रट लेते हैं, रट लोगे तो भी काम चल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को बनाते हुए आना चाहिए, बहुत ही आसान। x के अपॉन में नंबर चाहिए, आप इसको छुपाइए, b1 c2 b2 c1। y के अपॉन में चाहिए, इसको छुपाइए, c1 a2 c2 a1। और 1 के अपॉन में इसको छुपा दीजिए, हाथ यहां रख दीजिए, a1 b2 और a2 b1। तो बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सरसाइज 3.4 है, सॉरी 5 है, उसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इफ दे गिव यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है स्टूडेंट्स, वो ये है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड स्टूडेंट्स 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी है, ये कैसा सॉल्यूशन दे रही है, ये यूनिक सॉल्यूशन दे रही है या नो सॉल्यूशन दे रही है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रही है। अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रही है तो ही आप लोगों को इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और वो भी स्टूडेंट किसके हेल्प से, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो करना क्या स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को राइट कर लीजिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स को, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन स्टूडेंट्स a1x + स्टूडेंट्स b1y + c1 = 0, सेकंड स्टूडेंट्स a2x + स्टूडेंट्स b2y + स्टूडेंट्स c2 = क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे तो इस लाइन का पहली वाले लाइन के साथ और इस लाइन का दूसरी वाले लाइन के साथ, तो ये यहां जो होगा वो a1 b1 और c1, यहां जो होगा वो a2 b2 और c2। तो स्टूडेंट्स a1 की बात करें तो a1 x का कोएफिशिएंट कोई नहीं, मतलब 1,
स्टूडेंट्स बी वन, बी वन यानी वाई का कोफिशिएंट यानी माइनस थ्री, और स्टूडेंट्स सी वन यानी कॉन्स्टेंट टर्म वो कितना हो गया माइनस थ्री। अब स्टूडेंट्स ए टू, ए टू यानी स्टूडेंट्स कौन है आपके पास एक्स का कोफिशिएंट थ्री। स्टूडेंट्स बी टू यानी वाई का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ नाइन, और स्टूडेंट्स सी टू, सी टू यानी स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म और वो कितना है माइनस टू। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हम लोग कैसे चेक करते थे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंस है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देती है, नो सॉल्यूशन। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स, मैं वो केस बता देता हूं फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। पहला केस था स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग होगी तो कैसे सॉल्यूशन देगी यूनिक सॉल्यूशन। चेक करने का तरीका स्टूडेंट्स ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा था स्टूडेंट्स लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या होगी पैरेलल, दे गिव्स नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी। चेक कैसे करेंगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और जो थर्ड वन था स्टूडेंट्स लाइंस आर कोइंसिडेंस, यानी लाइन के ऊपर ही क्या आ जाए स्टूडेंट्स लाइन, उसको कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी सारे जो रेशियो है वो क्या आ जाए इक्वल, तो क्या होगी लाइन्स आर कोइंसिडेंस एंड दे गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये केस आपको पता होना चाहिए, इसीलिए स्टूडेंट्स हमने ए वन बी वन सी वन इनकी वैल्यूज को क्या किया है फाइंड किया है, ताकि हम उनका क्या फाइंड करेंगे रेशियो और देखेंगे कि क्या ये वाला केस है या ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन देगी और उस यूनिक सॉल्यूशन को हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। और ये नो सॉल्यूशन और ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर ये आ जाए तो फिर सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हम क्या करेंगे रेशियो को चेक करते हैं। सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन अपॉन ए टू को देखते हैं स्टूडेंट्स ए वन की वैल्यू वन और ए टू की वैल्यू थ्री। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी बी वन अपॉन बी टू की, तो बी वन अपॉन बी टू, बी वन की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस ऑफ थ्री, बी टू की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस ऑफ नाइन, माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, यानी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स वन अपॉन थ्री। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी सी वन अपॉन सी टू की, सी वन की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस थ्री, सी टू की वैल्यू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स थ्री बाई टू। अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स हियर हियर समझ रहे स्टूडेंट्स ए वन अपॉन ए टू कितना मिला वन बाई थ्री, बी वन अपॉन बी टू कितना मिला वन बाई थ्री, और सी वन अपॉन सी टू कितना मिला स्टूडेंट्स थ्री बाई टू, मतलब ये दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल, पर ये इक्वल नहीं आया। हियर स्टूडेंट्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स लाइन्स आर पैरेलल, क्या हो गए स्टूडेंट्स आपके पास लाइन्स आर पैरेलल एंड दे गिव्स नो सॉल्यूशन। लाइन्स कैसी हो गई स्टूडेंट्स पैरेलल हो गई और वो क्या करेगी कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी, और अगर कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं रही है तो उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स सेकेंड प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, मैं इसको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स सेकेंड प्रॉब्लम का, तो हमारे पास जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया है स्टूडेंट्स वो ये है, इक्वेशन दिया है स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स दिया है 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपको दिया है 8। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये कैसा सॉल्यूशन दे रही है, आपको यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, नो सॉल्यूशन दे रही है, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रही है। इफ द लाइंस आर गिव्स यूनिक सॉल्यूशन देन सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और स्टूडेंट्स अगर आपको लाइन कैसा सॉल्यूशन दे दे यूनिक सॉल्यूशन दे दे तो फिर आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ठीक है सबसे पहले गिवन इक्वेशंस सॉल्यूशन में क्या रख करेंगे गिवन इक्वेशन, मैं इस माइनस फाइव को इधर ला रहा हूं स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा इधर आएगा तो माइनस फाइव और इक्वल टू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जीरो, ये एट इधर है मैं इसको इधर ला रहा हूं स्टूडेंट्स तो माइनस ऑफ एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ स्टूडेंट्स कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं लेकिन किसके साथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपको पता होगा स्टूडेंट्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, स्टूडेंट सेकेंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, इनके साथ क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे।
तो देखते हैं स्टूडेंट्स, a1 यानी x का कोफिशिएंट कितना मिला स्टूडेंट्स 2, b1 यानी y का कोफिशिएंट यानी कितना मिला स्टूडेंट्स आपको 1, और स्टूडेंट c1 यानी कांस्टेंट टर्म यानी कितना मिलेगा -5। ऐसे ही इसका इसके साथ कंपेयर होगा स्टूडेंट्स। तो a2 कितना मिला स्टूडेंट्स आपको 3, स्टूडेंट्स b2 कितना मिला आपको स्टूडेंट्स 2, और स्टूडेंट c2 कितना मिला स्टूडेंट्स -8। अब क्या करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, रेशियो को फाइंड करेंगे। रेशियो यानी a1 / a2। अगर स्टूडेंट्स हम लोग a1 / a2 की बात करें तो ये कितना बनेगा 2/3। स्टूडेंट्स किसकी बात करते हैं, b1 / b2 की, तो वो कितना मिलेगा 1/2। और स्टूडेंट्स c1 / c2 की बात करें तो -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 5/8। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हियर a1 / a2 डज नॉट इक्वल टू b1 / b2। ठीक है स्टूडेंट्स, कि क्या देखा आपने, a1 / a2 कितना है 2/3, b1 / b2 कितना है स्टूडेंट्स 1/2। यानी क्या हो चुका है, a1 / a2 डज नॉट इक्वल टू b1 / b2। कौन सा केस है स्टूडेंट्स, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइंस कैसे हो गई इंटरसेक्टिंग, एंड दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन देगी स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो स्टूडेंट उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी किससे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो भी किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स, पहले किसको राइट करिए, एक्स को, एक्स वालों को छुपाइए स्टूडेंट्स, छुपाया इसको। अब आप क्या करेंगे, आपका जो फिंगर किसको टच कर रहा है, बी वन को, बी वन का क्रॉस कौन है स्टूडेंट सी टू, तो बी वन सी टू, माइनस थंब किसको टच कर रहा है बी टू को, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स बी टू सी वन, इक्वल टू में एक्स का काम हो चुका है। और वाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो वाई वालों को आप एलिमिनेट करिए, छुपाइए। अब देखो आपका फिंगर फिट किसको टच कर रहा है, सी वन को, सी वन का क्रॉस देखो स्टूडेंट्स, सी वन का क्रॉस कौन दिखेगा ए टू, यानी कौन आ जाएगा स्टूडेंट सी वन ए टू, बीच में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, आपका थंब किसको टच कर रहा है स्टूडेंट सी टू को, क्रॉस देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा सी टू, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स ए वन, और लास्ट में कोई नहीं, यानी कौन आएगा वन। अब किसको छुपाओगे स्टूडेंट, सी वालों को, अभी तक तो कोई है नहीं, आप अपना हैंड यहाँ पर रखेंगे, तो आपके फिंगर किसको टच कर रही है ए वन को, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स ए वन बी टू, क्या आएगा स्टूडेंट्स ए वन बी टू, बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, अब आपका थंब किसको टच कर रहा है ए टू को, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ए टू बी वन, ए टू बी वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो स्टूडेंट्स एक्स बी वन, बी वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास, ये रही वन, इंटू में स्टूडेंट्स कौन है सी टू, सी टू की वैल्यू कितनी आपके पास -8, बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, अब कौन है स्टूडेंट्स बी टू, बी टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटू में कौन आएगा सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास -5। अब इक्वल की बात करें स्टूडेंट्स, तो वाई, वाई के अपन में कौन स्टूडेंट्स सी वन, सी वन की वैल्यू ये रहा सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स -5, इंटू में कौन आएगा स्टूडेंट्स ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास 3, बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, कौन है स्टूडेंट्स सी टू, सी टू की वैल्यू कितनी आपके पास -8। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू कौन आएगा ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास 2, इक्वल टू में अगर आप देखेंगे तो कौन आएगा स्टूडेंट्स 1/a1, ए वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास 2, इंटू कौन स्टूडेंट्स बी टू, बी टू की वैल्यू कितनी आपके पास 2, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास 3, इंटू कौन स्टूडेंट्स बी वन, बी वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास 1। अब स्टूडेंट देखिए ये कौन है आपके पास एक्स, -8 × 1 -8, अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 5 × 2 = कौन हो गया स्टूडेंट्स 10, इक्वल टू की बात करें तो वाई के अपॉन में स्टूडेंट्स देखो 3 × 5 = स्टूडेंट्स -15, और ये कौन माइनस माइनस प्लस 8 × 2 = कौन हो गया स्टूडेंट्स 16, और इक्वल टू की बात करें स्टूडेंट्स तो 1/2 में 2 × 2 = 4, और माइनस कौन हो गया स्टूडेंट्स 3 × 1 = 3। मैं स्टूडेंट्स ये इधर क्लीन कर देता हूँ, वहां के बाद यहाँ राइट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/10 में से 8 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स 2। अब हम लोग आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो वाई के अपॉन में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 में से 15 गया, कितना चुका है 1, इक्वल टू स्टूडेंट्स जेड यानी 1, 4 में से कौन गया स्टूडेंट्स 3, यानी कितना चुका है 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ये देखो एक बार क्या करो, x/2 = 1/1 यानी 1 होगा, एक बार इसको इसके इक्वल रख लो, और एक बार स्टूडेंट्स y/1 = कौन हो जाएगा 1, क्रॉस इंटू करो स्टूडेंट्स तो x = कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्रॉस इंटू करो स्टूडेंट्स y = कितना आ जाएगा 1, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था, पहला काम यह था कि आपको चेक करना था
कि लाइंस यूनिक सॉल्यूशन दे रही है कि नो सॉल्यूशन दे रही है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और यूनिक दे रही है तो उसको इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना था, सॉल्व करना था, जो कि हमने किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का आपका सेकंड प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर अब हम फर्स्ट के थर्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाला प्रॉब्लम आप लोगों को दिया है स्टूडेंट्स, 3x minus 5y is equal to 20, and students 6x minus 10y is equal to 40। ठीक है students, क्या दिया है आप लोगों को students, 3x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 10y is equal to आपको दिया है 40। पहला काम क्या है students, आपको चेक करना है कि lines आपको unique solution दे रही है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रही है या नो सॉल्यूशन दे रही है। अगर यूनिक दे रही है तो फिर आपको अप्लाई करना है कौन सा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम इसको इधर ले आते हैं, इक्वल टू से इधर आएगा तो -20 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। इसको भी इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स तो -40 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, क्या करेंगे आप लोग, कंपेयर करेंगे किसके साथ स्टूडेंट्स, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन स्टूडेंट्स, a1x प्लस स्टूडेंट्स b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड स्टूडेंट्स a2x प्लस स्टूडेंट्स b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स a1 की, तो a1 की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 3। b1 की वैल्यू स्टूडेंट्स -5 और c1 की स्टूडेंट्स वैल्यू -20। और A2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो A2 मिलेगा आपको 6 स्टूडेंट्स, B2 मिलेगा आपको -10 और स्टूडेंट्स C2 मिलेगा आपको -40। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रेशियो देखेंगे, रेशियो A1 अपॉन A2 को देखते हैं। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी स्टूडेंट्स 1/2। अब स्टूडेंट्स B1 अपॉन B2 की वैल्यू देखते हैं, तो B1 की वैल्यू -5, B2 की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 5 × 2 = 10 क्या हुआ स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंस। लाइंस क्या हो गए स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंस हो गए, मतलब लाइन के ऊपर ही क्या आ चुके स्टूडेंट्स, लाइंस आ चुकी है। इन दिस केस लाइंस गिव्स कैसा स्टूडेंट्स, बोलिए जल्दी से, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो लाइन कैसा सॉल्यूशन देगी स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगी। और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन किस में फाइंड करना है, जब लाइंस क्या दे स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपका थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर फोर की अगर हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट के फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वही आपको क्या करना है, चेक द लाइंस आर गिव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इफ दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और स्टूडेंट्स एक्स माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको चेक करना है कि लाइंस आपको कैसा सॉल्यूशन दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, नो सॉल्यूशन दे रही है, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले राइट कर लेंगे गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, ये दोनों जनरल इक्वेशन राइट कर लेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स a1, तो a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। स्टूडेंट्स b1 की वैल्यू -3 और स्टूडेंट्स c1 की वैल्यू -7। ऐसे स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 3। b2 की वैल्यू मिलेगी आपको स्टूडेंट्स -3 और स्टूडेंट्स c2 की वैल्यू मिलेगी आपको -15। अब क्या करना है, अब आपको रेशियो देखना है स्टूडेंट्स, तो
तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू वन और ए टू की वैल्यू थ्री, वन अपॉन थ्री। स्टूडेंट्स बी वन अपॉन बी टू, बी वन की वैल्यू माइनस थ्री, बी टू की वैल्यू माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, वैल्यू वन अपॉन वन। और स्टूडेंट्स सी वन अपॉन सी टू की अगर हम बात करें तो माइनस सेवन अपॉन में कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस फिफ्टीन, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए वन अपॉन ए टू जो मिल रहा है आपको वन अपॉन थ्री मिल रहा है, बी वन अपॉन बी टू जो मिल रहा है वो वन अपॉन वन मिल रहा है, और सी वन अपॉन सी टू जो मिल रहा है सेवन अपॉन फिफ्टीन मिल रहा है। इट मीन्स हियर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। देखो ना स्टूडेंट्स ये कितना है वन अपॉन थ्री और ये कौन है वन अपॉन वन, मतलब ये इक्वल नहीं आया। इट मीन्स लाइन्स आर कैसी स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग, कैसी लाइन्स इंटरसेक्टिंग एंड दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन देगी स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स अगर यूनिक सॉल्यूशन देगी तो फिर आपको क्या करना है सॉल्व करना है, वो भी किससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो पहले कौन आएगा एक्स, एक्स आएगा। अब आपको क्या करना है इस एक्स वालों को छुपाओ, आपका फिंगर कहां टच हो रहा है बी वन पर, बी वन का क्रॉस देखो स्टूडेंट्स तो बी वन सी टू माइनस थंब कहां टच हो रहा है स्टूडेंट्स बी टू पर, बी टू का क्रॉस देखो स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा बी टू सी वन इक्वल टू में कौन आ गया स्टूडेंट्स वाई। तो आपको क्या करना है वाई वालों को एलिमिनेट करना है, आपका फिंगर कहां टच होगा स्टूडेंट्स सी वन पर, ये तो एलिमिनेट है, सी वन का क्रॉस देखो स्टूडेंट सी वन ए टू माइनस ऑफ देखो थंब कहां टच होगा सी टू ए वन, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट सी टू ए वन और इक्वल टू में कौन आएगा स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट यानी वन। इसको छुपाओ, अब इधर तो कोई है नहीं तो आप अपना हैंड यहां पर राइट रख दीजिए। अब देखो फिंगर कहां टच होगी ए वन, तो ए वन का क्रॉस कौन है स्टूडेंट्स बी टू, क्या बनेगा ए वन बी टू माइनस ऑफ थंब कहां टच हो रहा है स्टूडेंट्स ए टू, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ए टू बी वन। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है सॉल्व करना है, यहां पर क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर इतना प्लेस नहीं, मैं इधर की चीजें क्लीन कर रहा हूं, अब वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें, मैं इसको हटा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब देखिए करना क्या, सबसे पहले कौन है स्टूडेंट्स एक्स, ये राइट किया मैंने एक्स अपॉन देखो स्टूडेंट्स बी वन, बी वन की वैल्यू देखो ना स्टूडेंट्स कितना है माइनस ऑफ थ्री, इनटू में कौन है स्टूडेंट सी टू, सी टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स माइनस फिफ्टीन, ठीक है स्टूडेंट्स बीच में क्या लगा हुआ है माइनस बी टू, देखो स्टूडेंट बी टू की वैल्यू कितनी आपके पास माइनस ऑफ थ्री, इनटू में कौन है स्टूडेंट्स आपके पास बी टू सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी आपके पास स्टूडेंट्स माइनस सेवन, इक्वल टू की बात करें हम लोग वाई, तो वाई की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास माइनस सेवन, इनटू कौन है स्टूडेंट्स ए टू, ए टू की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कितना आपके पास थ्री, बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, सी टू, सी टू की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आपके पास माइनस फिफ्टीन, और कौन है स्टूडेंट्स ए वन, ए वन, ए वन की वैल्यू आपके पास कितना है स्टूडेंट्स वन, इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट वाला यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वन अपॉन में स्टूडेंट देखो ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी आपके पास वन, इनटू कौन है स्टूडेंट्स बी टू, बी टू की वैल्यू कितनी आपके पास माइनस ऑफ थ्री, बीच में क्या स्टूडेंट्स माइनस, ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स थ्री, और कौन स्टूडेंट्स बी वन, बी वन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपके पास माइनस ऑफ थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए होगा क्या, ये कौन है स्टूडेंट्स आपके पास एक्स अपन में देखो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन थ्री जा कितना हो चुका स्टूडेंट्स फोर्टी फाइव, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन ये फिर क्या हो गया माइनस सेवन थ्री जा स्टूडेंट्स ट्वेंटी वन, इक्वल टू की बात करें स्टूडेंट्स ये कौन हो गया वाई अपन माइनस ट्वेंटी वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स प्लस फिफ्टीन। अब और इक्वल टू की बात करें स्टूडेंट्स ये कौन हो गया माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो गया थ्री थ्री जा नाइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें तो एक्स अपॉन में फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन यानी स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर, इक्वल टू की बात करें स्टूडेंट्स ये कौन हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन यानी वाई अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ सिक्स, इक्वल टू की बात करें वन अपॉन नाइन में से कौन माइनस हो चुका है थ्री यानी कितना आ चुका है स्टूडेंट्स सिक्स। अब एक बार क्या करेंगे स्टूडेंट्स एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, मतलब एक बार इसको इसके इक्वल रख लेना है, और स्टूडेंट्स वाई अपॉन माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स। मैं इधर की चीजें क्लीन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, देखो इसका क्रॉस इनटू करिए स्टूडेंट्स तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन में सिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स तो सिक्स वन जा सिक्स सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर यानी एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको फोर। यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स सिक्स कैंसिल y इज इक्वल टू माइनस वन, हेंस द यूनिक सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू फोर एंड y इज इक्वल टू माइनस वन। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं किसके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 के उनको और साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2-3 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग सारी चीजें अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और आप लोग वेट ना करें कि स्कूल ओपन होने तब पढ़ेंगे, आप कंटिन्यू करिए। समझ में नहीं आता है वीडियो को 2-3 टाइम्स देखिए, और भी अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिए, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।